नमस्कार, आज मैं आपको हरी धनिया की चटनी जो कि उत्पम है, डोसा है, इन सबके साथ में उपमा है, इन सबके साथ में खाई जाती है। तो उसमें मैंने क्या क्या डाला है, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि लहसुन के चार कलियाँ, चार से पांच कली लहसुन की, और आधा आधा से एक इंच अदरक पड़ा है, जिंजर, और करी लीव्स, करी पत्तियाँ पड़ी हैं ये 12 से 15, और ये हरी धनिया, कुछ हरी धनिया डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है। तो इसको पहले पीसना है, और ये बता रही हूँ मैं इसमें सिल में क्यों पीस रही हूँ। सिल का टेस्ट जो है सिल में वो अलग टाइप का, मिक्सी में उतना बढ़िया टेस्ट नहीं आता है जितना कि सिल में पीसने से आता है। तो ये पीस के मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए चटनी पीस गई है। अब इसमें जो है चटनी में हमको दही ऐड करना है थोड़ा सा। आप चाहे मिक्सी में इसको करके आप चला सकते हो, या फिर जो हम ऐसे भी पुश करके अभी आपको दिखा रहे हैं, इस तरह भी आप मिक्स कर सकते हो। इसमें हमको करीब 3 से 4 चम्मच दही ऐड करना है, 3 से 4 चम्मच दही ऐड करना है। इसको फिर ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब चला दिया, अब ये चटनी तैयार है। अब इसमें तड़का लगाऊंगी, ये तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इसमें करीब ये एक टी स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला, यानी सरसों का तेल। अब इसमें राई दाना और एक साबुत मिर्ची डालूंगी, लाल वाली। जब तेल की पहचान है कि तेल हमारा तैयार रेडी कैसे है, ये देखने के लिए आपको इसका धुआं देखना होगा कि इसका धुआं क्या उठ रहा है। तो इसमें देखिए धुआं उठने लगा है और तेल का कलर चेंज हो जाता है। तो समझ लीजिए आपका तेल रेडी है। अगर कच्चा होगा तो फिर वो आपका खाने का कोई भी किसी चीज़ में भी ऐड करोगे तो वो टेस्ट उसका ख़राब हो जाएगा। ये देखिए अभी मेरा धुआं उठने, इसमें तेल में धुआं उठने लगा है। अब इसमें राई दाना ऐड कर रही हूँ, मिर्ची और राई दाना। ये देखिए डाल हो गया है, राई अच्छे से चिपक रही है। आप इसको पतला और करना चाहते हैं पतला कर लीजिए, और चटनी हमारी रेडी है।